देखिए आप जानते हैं कि तानाशाही कोई भी हुकूमत, वो जब तानाशाही पर आती है वो ज़्यादा देर नहीं टिकती। ये हिंदुस्तान का भी इतिहास है और पंजाब के अंदर तो ये बहुत मशहूर इतिहास है कि कोई भी तानाशाही ज़्यादा देर तक लोगों के अंदर टिक नहीं सकता। वो टिकता उतनी देर तक है जब तक उसकी समझ नहीं आती, उसकी पॉलिसी को समझा नहीं जाता, उसकी नीति को समझा नहीं जाता। आज के लोग ये बात जानते हैं कि मोदी हुकूमत कारपोरेट की हुकूमत है, अडानी अवानी को मुनाफे देने वाली हुकूमत है, मजदूरों की जेब से निकाल कर कारपोरेट की जेब में डालना, किसानों की जेब से निकाल कर कारपोरेट की डालना, ये नीति पॉलिसी मोदी सरकार की लगातार चल रही है। इसके रोष में प्रदर्शन भी हो रहे हैं, रोष उठ रहे हैं, मूवमेंटें उठ रही हैं। ये मूवमेंटें एक बगावत का रूप धारेंगी और ये बगावत को मोदी हुकूमत को टेकने नहीं देंगे। यहाँ जिस तरीके से एक कन्वेंशन आयोजित किया जा रहा है वो इसलिए है ताकि मजदूरों के ऊपर और जो इसका कर्मचारी है और जो किसान हैं उनके जो अधिकारों का इस वक्त हनन हो रहा है। मोदी सरकार जिस तरीके से लगातार कुठाराघात करती जा रही है, किसानों के साथ वादा किया उसको अभी पूरा नहीं कर रही है, कर्मचारियों के चार लेबर कोड ला करके कर्मचारियों के इन्होंने पूरे ही श्रम कानूनों पे ख़त्म कर दिए हैं। उसी तरीके से कर्मचारियों को देखिए एनपीएस लागे लाए हैं, एनपीएस जबकि किसी तरीके से भी कर्मचारियों के हित में नहीं है। एनपीएस का फुल फॉर्म एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम सर, न्यू पेंशन स्कीम। ओल्ड पेंशन स्कीम में कर्मचारियों के हितों की बात होती थी, कर्मचारी बुढ़ापे के बाद अपना मतलब पूरी सेवाएं देने के बाद अपना सोचना नहीं पड़ता था उसे लाइफ कैसे गुजारेगा, लेकिन न्यू पेंशन स्कीम में सारी चीज़ें ख़त्म है। अभी न्यू पेंशन स्कीम के तहत किसी को पैसे भी मिले तो वो टोटल अमाउंट उसका मिला करके 30,000 रुपये में उसकी लाइफ क्या सर्वाइव करेगा, वो कैसे चलेगा, ऐसे बहुत सारे उदाहरण आ गए हैं सामने। इसलिए कहने में कोई डर नहीं लग रहा कि न्यू पेंशन स्कीम कितनी खतरनाक होगी कर्मचारियों के लिए। तो ये सब चीज़ों को लेके एक कन्वेंशन है ताकि कर्मचारियों के हितों को और मजदूरों के और किसानों के हितों को सही ढंग से हम आगे इसको लेके आंदोलन चला पाएँ। आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं तो ये किसानों का सम्मेलन ना होकर के ये किसान मजदूरों का सम्मेलन है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 9 साल होने को आए और सरकार सिर्फ और सिर्फ वादे करती आ रही है। किसानों के आंदोलन ने सरकार को घुटने टेकने पे मजबूर किया, ये हम सब मानते हैं, और वहाँ से हम मजदूर संगठन भी प्रेरणा हमको मिली कि अगर हम में हिम्मत है, अगर हम डटे रहें तो हम सरकार को झुका सकते हैं, और किसानों ने वो करके दिखाया। आज हम फिर इसी को लेकर के साथ में कि 2024 हमारे सामने लक्ष्य है कि हम सरकार को सत्ता में लाने की अगर हम में हिम्मत है तो हमको सरकार को सत्ता से खदेड़ने की भी हम में हिम्मत है, और इसलिए ये कन्वेंशन हम कर रहे हैं और मिलकर के कर रहे हैं। ये तड़के उठ के ने नकम्मापन सोचते हैं कि बर्बादी कैसे करनी है देश की, और ये बर्बादी का नाम अमृतकाल। अरे इसको अमृतकाल को गरीब का तो खाना मतलब छीन लिया सब कुछ है, एक टमाटर तक की चटनी खाने के लिए आराम कर दिए तो बचा क्या देश में। देखिए भ्रष्टाचार परिवार, आप एक बात बताओ, अब ये करे 700 करोड़ का मंदिर बनेगा वृंदावन में, कॉलेज की बात नहीं करेंगे, यूनिवर्सिटी की बात नहीं करेंगे, हॉस्पिटल की बात नहीं करेंगे, और फिर राम मंदिर 2024 में खाने दे देगा राम मंदिर, हमारे कटोरा देना चाहो क्या? अरे हमारे को रोजगार दे, रोजगार से काम चल लगा, इस 5 किलो अनाज से काम नहीं चलना, नहीं चलता हमारे को स्कूल दे, रोजगार दे। बेरोजगारी तो चरम सीमा पे है, ये हमारी गलती है, हम एक पीढ़ी के गुनेगार हैं, हमने एक पीढ़ी बर्बाद कर दी इनके साथ लग के, इनकी बातों में आके, और इनके भी पता है भाई के लोग जाग चुके हैं, 2024 में बदलाव होगा, और इतने कुकर्म कर दिए देश के साथ इन्होंने, इतनी सजा होगी कोई बच नहीं सकता भाई साहब। अब आप कहेंगे फायदा क्या है, आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, सरकार तो अपनी नीति पर जा रही है, जवान तो उठानी पड़ेगी ना,
ब्रिटिशर्स के विरुद्ध में लड़ाई हम लोगों ने 150 साल तक लड़ी और स्वाधीनता मिली, तो हमें विश्वास है कि हम सरकार की नीतियों के विरुद्ध में, जो श्रमिकों के विरुद्ध में हैं, किसान के विरुद्ध में हैं, आम जनता के विरुद्ध में हैं, हमें डिटरमाइंड वे से ये लड़ाई चलानी होगी। ये लड़ाई विगत जो 9 साल में 10 साल में हम लोगों ने लड़ी है उसमें इसका इम्प्रूवमेंट है, याद किसान मोर्चा भी इसमें भी शामिल है। थैंक यू सर। और हमारा विश्वास है कि हम सरकार की नीतियों को बदल के ही रहेंगे। अभी मौका है, सरकार 2024 की मोट पार्लियामेंट के ऊपर कब्जा करने के लिए तत्पर है। राष्ट्रीय हड़ताल एक बार नहीं, अनेक बार। देश का संविधान खतरे में है और ये देश अपने आप खतरे में है। सर, इस कॉन्फ्रेंस से आपको सबसे बड़ी उम्मीद क्या है? इसकी उम्मीद है कि किसानों और मजदूरों की जोटी किस किस इशू के ऊपर पड़ सकती है। ज़रूरत ये है, ये एक तजर्बा है कि अगर किसान आंदोलन के अंदर अलग अलग विचारों की जथेबंदियाँ एक इशू के ऊपर मिनिमम प्रोग्राम के ऊपर इकट्ठी होकर लड़ सकती हैं और जीत सकती हैं, तो किसान और मजदूरों का इतना बड़ा गिनती है, अगर ये दोनों का फ्रंट एकजुट होकर कहीं मतलब फील्ड में आ जाता है तो हिंदुस्तान के कीर्ति लोगों का बड़ा हिस्सा इनके साथ जुड़कर सरकार को बड़ा चैलेंज कर सकता है, ये उम्मीद है।